हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो हम बात कर रहे थे वह हम किस तरीके से हम सेट करते हैं शेप बॉर्डर्स को विद डैशेस एंड डॉट्स की हेल्प से, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम डिस्कस करेंगे कि यू कैन फिल शेप कंट्रोल यूजिंग द शेप्स फिल स्टाइल प्रॉपर्टी, यानी कि हम किस तरीके से शेप्स जो हमारी विजुअल बेसिक में हम ड्रॉ करते हैं एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग, उन शेप्स को हम किस तरीके से फिल करते हैं शेप्स फिल स्टाइल प्रॉपर्टी की हेल्प से। सो हेयर आर लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं पॉसिबल वैल्यूज़ की जिसकी हेल्प से हम फिल प्रॉपर्टी में फिलिंग करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट वैल्यू की, तो जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वह है VVFS सॉलिड, ठीक है। अब फिल स्टाइल, FS स्टैंड फॉर फिल स्टाइल सॉलिड, यानी कि जब उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो वहाँ पर सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। देन VVFS ट्रांसपेरेंट, VVFS ट्रांसपेरेंट, यानी कि इसके हेल्प से हम ट्रांसपेरेंट कलर्स को फिल कर सकते हैं अगर उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वन होगी। देन VV हॉरिजॉन्टल लाइन, VV हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जब हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फिल स्टाइल की शेप्स फिल स्टाइल में टू होगी तो वहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू अपनी शेप को फिल करेंगे। अगर हमें वर्टिकल लाइन में फिल करना होगा तो हम VV वर्टिकल लाइन में की वैल्यू 3 कर देंगे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 3 होती है हमारी, जिसकी हेल्प से हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू फिल कर सकते हैं। देन VV अपवर्ड डायगोनल, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में डायगोनल लाइंस के थ्रू हम अपनी शेप को फिल कर सकते हैं, उसके लिए जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी हमारी वह 4 होगी। देन VV डायगोनल डाउनवर्ड डायगोनल, अगर हम डाउनवर्ड डायगोनल अपनी शेप को फिल करना चाह रहे हैं लाइंस के थ्रू तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी 5 होगी, और अगर हम क्रॉस के थ्रू लाइंस में अपनी शेप को फिल करना चाह रहे हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 6 होगी, और अगर डायगोनली हम अपनी शेप को फिल करना चाह रहे हैं लाइंस के थ्रू तो उसकी वैल्यू 7 होगी। अब हमारे अगर फर्स्ट देखें VV सॉलिड, अगर सॉलिड इमेज है तो उस इस तरीके से कलर होगा। देन VV ट्रांसपेरेंट में कुछ इस तरीके से हमारी इमेज ट्रांसपेरेंटली शो हो रही होगी। देन विजुअल बेसिक हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू इस तरीके से शेप हमारी फिल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। देन वर्टिकल लाइंस के थ्रू हमारी इस तरीके से शेप जो है वह फिल हो रही होगी। देन VVFS यानी कि फिल स्टाइल, FS स्टैंड फॉर फिल स्टाइल अपवर्ड डायगोनल, अपवर्ड डायगोनल में वह इस तरीके से हमारी शेप जो है वह लाइन के थ्रू फिल हो रही होगी। देन VVFS डाउनवर्ड डायगोनल, डाउनवर्ड डायगोनल में जस्ट अपोजिट हो जाता है वह अपवर्ड डायगोनल की, ठीक, तो वह कुछ इस तरीके से वहाँ पर फिल करेगा शेप। देन VV क्रॉस में क्या होगा, इस तरीके से हमारा वह क्रॉसली क्रॉस बना रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं VV क्रॉस। देन VV डायगोनल क्रॉस, डायगोनल क्रॉस में वह इस तरीके से डायगोनली क्रॉस कर रहा होगा लाइन की हेल्प से, जिसकी हेल्प से हमारी जो होगी वहाँ पर शेप्स फिल हो जाएंगी, जिसकी हेल्प से वहाँ पर क्या होगा हमारी शेप्स फिल हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने शेप्स फिल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, इस शेप्स फिल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम किस तरीके से शेप्स को फिल करते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम जो डिस्कस करेंगे ड्राइंग शेप्स में, वह हमारा यूजिंग फॉर्म्स मेथड टू ड्रॉ लाइन, यानी किस तरीके से हम फॉर्म्स मेथड जो हैं उनको उनके थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को, यानी कि हम किस तरीके से फॉर्म मेथड की हेल्प से लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यू कैन यूज़ अ फॉर्म मेथड, आप जो है यूज़ कर सकते हो फॉर्म मेथड को, द लाइन मेथड टू ड्रॉ लाइन, यानी कि आप जो है लाइन मेथड को फॉर्म मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हो लाइन को डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए। हेयर द सिंटैक्स ऑफ लाइन मेथड, यहाँ पर आपकी लाइन मेथड के ड्रॉ करने के लिए लाइन को यहाँ पर आपके सामने सिंटैक्स दे रखा है। सो आइए डिस्कस करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। फॉर्म मेथड के अंदर लाइन
और ब्रैकेट के अंदर x1 कॉमा वाई वन माइनस x2 कॉमा वाई टू और फिर उसके बाद ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में कलर। तो ये उसके सिंटैक्स हो गया स्टूडेंट्स। तो हेयर वी ड्रॉ फोर लाइन विद द लाइन मेथड। हम यहाँ पर फोर लाइंस को ड्रॉ करेंगे लाइन मेथड की हेल्प से। वी यूज़ दिस मेथड इन द फॉर्म लोड। हम ये मेथड जो यूज़ करते हैं ड्रॉ लाइन मेथड, ये फॉर्म लोड मेथड फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर यूज़ करते हैं, इसको हम फॉर्म मेथड बोलते हैं। यू मस्ट सेट द फॉर्म ऑटो रीड्रॉ प्रॉपर्टी टू ट्रू। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्म को ऑटो रीड्रॉ प्रॉपर्टी पर लगा देते हैं ट्रू, यानी कि उसको हम ट्रू कर देते हैं। प्राइवेट, अब प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि फॉर्म को हमने लोडिंग इवेंट पर लगा दिया। अब डिम इंट लूप एस इंडेक्स, यानी कि इंट लूप एज इंडेक्स को हमने इंटीजर ले लिया यहाँ पर। अब हम देखें तो इंटीजर में लूप इंडेक्स जो है वो हमारा जीरो से लेकर थ्री तक चलेगा। लूप इंडेक्स जो है वो हमारा जीरो से लेकर थ्री तक चलेगा। अब इसमें क्या दे रखा है, लाइन हंड्रेड कॉमा हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड, सॉरी थाउजेंड प्लस थाउजेंड कॉमा थाउजेंड प्लस फोर हंड्रेड इंटू इंट लूप इंडेक्स ब्रैकेट में इंटू इंट लूप इंडेक्स। फिर इस पूरे ब्रैकेट को क्लोज करके हम माइनस कर देते हैं, इस पूरी ब्रैकेट को क्लोज करके हम माइनस कर देते हैं। और फिर क्या लिखते हैं हम नेक्स्ट ब्रैकेट में, 3500 इंटू 100, 3500 इंटू 1000 प्लस 400 इंटू इंट लूप इंडेक्स। ठीक, तो इसके थ्रू हम जो है लाइन के कोऑर्डिनेट हमने दे रखे हैं तो वो हमारा ड्रॉ हो जाएगा। देन नेक्स्ट इंट लूप इंडेक्स, नेक्स्ट इंट लूप इंडेक्स, और हम यहाँ पर लूप को फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा लूप जो है वह फिनिश हो जाता है और हमारी लाइन जो है वह ड्रॉ हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ लाइन मेथड। सो ड्रॉ लाइन मेथड की हेल्प से इस तरीके से हम लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेडिंग शेप्स बॉर्डर ड्राइंग विद डैशेस एंड डॉट्स की। तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम शेप बॉर्डर जो होते हैं उसको हम सेट करते हैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की हेल्प से शेप कंट्रोल में। सो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सेटिंग्स, पॉसिबल सेटिंग वैल्यूज़ दे रखी है हमारी, जिनकी हेल्प से हम इसको सेट करते हैं। तो अगर हमें ट्रांसपेरेंट सेट करना होता है तो उसके लिए हम जीरो वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसकी होती है। अगर हमें बॉर्डर स्टाइल जो है वह सॉलिड में रखना होता है तो उसके लिए हमारी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन होती है। अगर हमारा डैश बॉर्डर स्टाइल डैश होता है तो उसकी हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू टू रखते हैं हम, और डॉट के लिए हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू थ्री रखते हैं। और अगर हम विजुअल बेसिक में बॉर्डर स्टाइल के लिए डैश डॉट का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वह हमारी फोर होती है। और अगर हम बी वी डैश डैश डॉट की बात करें तो उसके लिए हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो रखते हैं अपनी वह फाइव रखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम डिज़ाइनिंग में हेल्प लेते हैं फॉर्म डिज़ाइनिंग में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जाना कि हम बॉर्डर स्टाइल के बाद हम जब शेप्स को फिल करते हैं तो फिल स्टाइल प्रॉपर्टी की हेल्प से शेप को फिल करते हैं। तो वहाँ पर कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम शेप्स को लाइंस के थ्रू या कलर्स के थ्रू सॉलिड कलर के थ्रू हम फिल करते हैं। जैसे कि हम अगर सॉलिड कलर फिल करना है वहाँ पर हमें, तो हम वहाँ पर जो है सॉलिड कलर फिल करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रह लेते हैं। और अगर हमारे पास वहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंटली जो है वह फिल करना है, अगर हमें ट्रांसपेरेंटली फिल करना है तो हम वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी वन होती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू वहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू टू होगी। वर्टिकल लाइंस के थ्रू हमारी हॉरिजॉन्टल वैल्यू थ्री होगी। देन अगर हम उसे अपवार्ड डायगोनली, यानी कि अपवार्ड डायगोनली लाइन में प्रिंट कर रहे हैं तो हमारी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फोर होगी। और अगर हम डाउनवार्ड डायगोनली वैल्यू पर वहाँ पर लाइंस के थ्रू प्रिंट कराना चाह रहे हैं डाउनवार्ड डायगोनली तो उसकी वैल्यू फाइव होगी। देन अगर हम क्रॉस लाइंस के थ्रू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हमारी क्या होगी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सिक्स होगी फिल स्टाइल प्रॉपर्टी। और अगर हम डायगोनली फिल कराना चाह रहे हैं डायगोनली क्रॉस तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेवन होगी। किस तरीके से होगी स्टूडेंट्स वह देखें आप सॉलिड में इस तरीके से हमारा सॉलिड कलर फिल होकर आ जाता है। अगर हम वहाँ पर फिल स्टाइल ट्रांसपेरेंट रखते हैं तो इस तरीके से कुछ हमारी ट्रांसपेरेंट शेप जो होती है वह ट्रांसपेरेंट शो होने लगती है। बी वी अगर हम एफ फिल स्टाइल वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से हमारी शेप्स में फिल हो जाती हैं।
अगर हम बोलें बीवी विजुअल बेसिक फिल स्टाइल प्रॉपर्टी वर्टिकल लाइंस लेते हैं हम, तो वर्टिकल लाइंस के थ्रू इस तरीके से हमारी शेप जो है वह फिल हो जाती है। अगर हम बात करें वीवी फुल स्टाइल अपवार डायगोनल, अपवार डायगोनल के लिए वह इस तरीके से फिल हो जाती है। अगर हम बात करें वीवी एफएस डाउनवर्ड डायगोनल, तो डाउनवर्ड डायगोनल में इस तरीके से हमारी शेप जो है वह फिल हो जाएगी। विजुअल बेसिक क्रॉस में वह इस तरीके से हमारी इमेज फिल होगी, और डायगोनली क्रॉस में वह इस तरीके से हमारी इमेज जो है वह फिल हो जाएगी। तो यह था स्टूडेंट्स फिल स्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ शेप्स इन विजुअल बेसिक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम मेथड्स को, फॉर्म मेथड्स के अंदर जो है वह फिल स्टाइल प्रॉपर्टी को हम जो है लाइंस को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म मेथड। तो फॉर्म मेथड की बात करें तो फॉर्म मेथड हमारा होता है कि हम फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर वहाँ पर लाइन मेथड की हेल्प से, ड्राइंग लाइन मेथड की हेल्प से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपके सामने सिंटेक्स दे रखा है लाइन x1, y1 - x2, y2 और फिर कलर। तो फॉर्म को यहाँ पर लोड मेथड पे लगाया, देन इंट लूप एज इंटीजर। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक लूप चलाया है, इंडेक्स को एज इंटीजर लिया है, देन लूप इंडेक्स को 0 से लेकर 3 तक लिया है। अब आप देखें 1000, 1000 + 400 इंटू इंट लूप इंडेक्स, यानी कि ये हमारी x1, y1 हो गया, ठीक है, ये 1000, 1000 हमारा x1, y1 हो गया। देन जो हमारा ये दे रखा है 3500, 1000 ये हमारा क्या हो गया, x2, y2 हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हमारी लाइंस जो है वह ड्रॉ हो जाती हैं, इस तरीके से हमारी लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं। सो ये हमारा ड्राइंग लाइन मेथड होता है, ये हमारा ड्राइंग लाइन मेथड होता है जिसकी हेल्प से स्टूडेंट हम जो है वह लाइंस को ड्रॉ करते हैं इन द फॉर्म लोडिंग इवेंट के अंदर। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।